ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। एग्जिट पोल पर जोक मारते लोग बहुत डार्क बातें कह गए। दो बहनों के बीच हुई सुरीली लड़ाई ने सबको मोह लिया। सही से पैर पकड़ ट्रेंड पर लोगों ने किस किस से पैर पकड़वाए। और पिक ऑफ द डे में सुनिए शंकर महादेवन, शान और सोनू निगम की जादुई आवाज। सिर्फ सोशल मीडिया के लिहाज से बात करें तो अंततः वो दिन आ ही गया है जब यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली पोस्टों की बाढ़ आने वाली है। पिछले 5 साल में इस देश में जो जो हुआ, जो जिससे भिड़ गया, रिश्तेदारों का बोलचाल बंद हो गया, दोस्तों के घर आना जाना बंद हो गया, क्लासमेट्स को व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया गया, उन तमाम झगड़ों से मेरा नेता जीतेगा वाली बात जो तय होनी थी कल तय होकर आ जाएगी। तमाम प्रोपेगेंडा वीडियोज, व्हाट्सएप के सच्चे झूठे वीडियो मैसेज, फलां धर्म खतरे में, ठिकानी जाति बेस्ट है वाली जितनी भी बातों से लोग जो भी तय करना चाहते थे तय हो जाएगा। कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, फिर हम लोग बैठ के ये सोच सकते हैं कि इसे एक दिन के लिए जितना पॉलिटिकली बूस्ट होके वो 5 साल जिए, क्या उन्हें लोड लेने की जरूरत थी। खैर, नतीजों के पहले आते हैं एग्जिट पोल और वो वाला जो कि 99% भारतीयों ने एक एग्जिट पोल में बताया कि उनके पास आज तक कोई एग्जिट पोल वाला नहीं आया। बेचारी एग्जिट पोल वाली एजेंसियां भी सोचती हैं कि इतना साइंटिफिक डेटा देने और ग्राउंड पर मेहनत करने का फायदा भी क्या निकला। यकीन मानिए, हम भी एग्जिट पोल दिखाते हैं, बहुत माथापच्ची के बाद डेटा निकलता है, हवा में नहीं होता कुछ भी। खैर, नतीजे तो आए नहीं, तब तक सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल पर ही अपनी राय लिखी गई। दुनिया करती होगी एग्जिट पोल को डिस्क्रेडिट। एक भाई ने पूरे मीडिया को ही डिस्क्रेडिट कर दिया, लिखा जिस मीडिया के एग्जिट पोल देखकर खुश हो रहे हो ना, थोड़ा ध्यान भी देना कि उसी मीडिया का 161वां स्थान है 180 में से। एक जोक आया कि एग्जिट पोल अखबार के राशिफल जैसी है जो कुंवारों को भी संतान प्राप्त करवा देता है। फैक्चुअली एग्जिट पोल कहाँ जाएंगी ये कल पता चलेगा, लेकिन जोक का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। एक और बहुत डार्क किस्म का पोस्ट वायरल हुआ, लिखा था कल रात न्यूज़ चैनल वालों ने एग्जिट पोल दिखाकर देश के 20-25 संभावित प्रधानमंत्रियों की भ्रूण हत्या कर डाली। कुछ नहीं कहूंगा मैं इस पे। जनता क्रिएटिव हो पड़ी है, जुक चला कि एग्जिट पोल के रुझान इतने तेज हैं कि कुछ सीटें तो टीवी से बाहर निकलकर गिर रही हैं। भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस के मजे लिए कि ब्रेकिंग न्यूज, अब तक आए सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ा फायदा, नहीं देने पड़ेंगे सालाना 1,00,000 रुपए। डार्क किस्म के जोक्स में जाने क्यों गर्भावस्था और लिंग जांच का इतना जिक्र होता है। एक और पोस्ट खूब चल रहा है कि जब सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब राजाओं के घरों में दाई हुआ करती थी, अशर्फी के लालच में गर्भवती रानी का पेट देखकर कहती थी महाराज जी बेटा होगा, बाद में रानी की बेटी हो जाती थी। एग्जिट पोल वही मीडिया वाली दाई है, सतर्क रहें। पंचायत की मीम चले कि एग्जिट पोल देखने के बाद विपक्ष वाले बस अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा। एक यूजर ने पहले लॉजिक को किनारे किया और फिर दूसरा लॉजिक लगाकर एक बात कही कि देखिए इंडिया हो या इंडिया, अगर आपको लगता है कि हमारी जीत होगी और न्यूज वाले गलत एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो जरा समझिए बात को, इससे आपका क्या जाता है, क्योंकि चुनाव तो हो गया है, 4 जून को पता भी चल जाएगा, इसको लेकर इतनी बहस क्यों, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। एक यूजर का कहना था कि मित्रों अच्छी बात यह है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के समय एग्जिट पोल नहीं होते थे, वरना घर वाले रिजल्ट आने के 3-4 दिन पहले से ही लोकतंत्र की दशा कुटाई कर करके बिगाड़ देते। एक यूजर ने लिखा कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के पीछे शेयर मार्केट में लगा भाजपाइयों और उनके दोस्तों का पैसा है, ताकि शेयर मार्केट जब खुले बम्पर उछाल हो और उसको बेचकर लंपट हो सके। आज वही हुआ और शेयर मार्केट में भारी उछाल आ गया। अब बात करते हैं एक ई लफड़े की। आपको तो पता ही होगा कि सोशल लिस्ट में हम ई लफड़े प्रमुखता से दिखाते हैं। हमारी नज़र एक ई लफड़े पर वैसे ही रहती है जैसे आज सारे इन्वेस्टर्स की नज़र अपने पोर्टफोलियो पर थी। और बताओ सब हरा हरा दिख के कैसा लग रहा है, कलेजा ठंडा हुआ कि नहीं। खैर, वापस आते हैं लफड़े पर। आजकल एक लफड़ा वायरल है, ये लफड़ा है दो बहनों के बीच, साथ ही सुरीला भी है। दो बहनें एक दूसरे के ऊपर सुर बाण का इस्तेमाल कर रही हैं, इतना कि एक यूजर ने कहा कि वो आए तो थे ट्रोल करने मगर फैन बन के जा रहे हैं। आप भी सुरीली लड़ाई देखिए। Nire re re ga 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 ma 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 pa 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 ma ga re sa sa re re sa ga ga re ma ma ga pa pa ma dha dha pa ni ni dha dha pa pa dha ma pa sa re sa re ni sa 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 YouTube की दुनिया का एक अपडेट। पिछले कुछ महीने से सब्सक्राइबर्स की रेस में पहले नंबर पर बने रहने की एक जंग सी छिड़ी थी, वो अब खत्म हो गई है। मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट करके लिखा कि हमने 6 साल बाद प्यूडीपाई का बदला ले लिया है। आज शाम 3 बजे एक ट्वीट आया, ट्वीट था क्रिकेटर केदार जाधव का। केदार जाधव ने लिखा कि मेरे पूरे करियर में आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज 3 बजे से मुझे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर्ड मान लें। जाधव टीम इंडिया के साथ साथ IPL में RCB, CSK, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों का हिस्सा भी रह चुके हैं। आपके यहाँ जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आपका जवाब है कि उनको फेंक देते हैं तो आप सच्चे देसी नहीं हो, क्योंकि हर सामान में कुछ संभावना होती है, कुछ पोटेंशियल होता है, बुरे वक्त में हर कबाड़ काम आता है। बस इसके लिए आपको बुरे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अभी बुरा वक्त चल रहा है गर्मियों के रूप में, अब इससे निपटने के लिए निकाली गई पुरानी टीवी और उस टीवी में लगाया गया पंखा, घर, मोटर और वो सब जो एक ढांचे को कूलर बनाती है,
देखिए आप भी लोगों की कलाकारी। अब बात कूलर की चली ही रही है तो एक और कूलर का वीडियो दिखाते हैं। जहाँ पहले वीडियो में टीवी को कूलर बना दिया गया है, वहीं इस वीडियो में कूलर को फ्रिज बना दिया गया है। इनने सब्जियों और फलों को खराब होने से बचाने के लिए कूलर के अंदर ही सारी चीजें रख दी हैं। अंदर रखी सब्जियां मस्त ताजी रहती हैं। जुगाड़ है, देख लीजिए। ट 2013 में एक पिक्चर आई थी, नाम था रांझना। वैसे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन थे जो लोगों को याद रह गए, लेकिन उन सीन में एक ऐसा सीन था जिसमें कुंदन जोया को स्कूटर में बैठा कर गंगा जी में उतर जाता है। वैसे तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, मगर फिल्म में हुआ था। ऐसा ही एक वीडियो दिखा जिसमें एक इंसान से बाइक को, मतलब एक इंसान ने बाइक को नहर में कूदा दिया। इस वीडियो को 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा अजीब है, शायद इसीलिए ही देख रहे हैं, या शायद इसलिए देख रहे हों कि हम लोगों को कुछ भी देखने की आदत लग चुकी है। चुनाव और गर्मी के अलावा कुछ और चला तो वो था एक ट्रेंड। ट्रेंड था सही से पैर पकड़। अगर आप सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं तो आपने इस वाले ट्रेंड के मीम्स को देखा ही होगा। लोग अपने पसंदीदा सामान, खाने की चीज़ों को इस मीम के जरिए एकदम बेस्ट बता रहे हैं। एक मीम में दिखाया गया है कि घड़े का पानी फ्रिज के पानी से कह रहा है सही से पैर पकड़। फेसबुक में तस्वीरें अपलोड करके लिखा गया कि फेसबुक तमाम ऐप जैसे व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और एक्स से कह रहा है सही से पैर पकड़। आम भी तरबूज से कह रहा है कि सही से पैर पकड़। पागल वर्ड और songs.pk को याद कर लिखा गया कि ये लोग स्पॉटिफाई से कह रहे हैं कि सही से पैर पकड़। समोसे को मोमोज से बेहतर बताया गया। डोसे को छोले भटूरे से बेहतर बताया गया। शायद ये मीम देखकर कोई छोले भटूरे का फैन नाराज भी हो गया, इसलिए जवाब भी मीम भी बना। यहाँ छोले भटूरे ने आदेश दिया कि डोसा और पाव भाजी जैसे लोग पैर पकड़ें। इस लड़ाई में पाव भाजी का कोई योगदान नहीं था, उसको जबरदस्ती घसीट लिया गया, जबरन घसीट लिया गया। अब कोई पाव भाजी वाला किसी और खाने को बेकार बता देगा। खाने के मामले में मेरा बस यही मानना है कि अच्छे से जो बनाया जाए उसका स्वाद अच्छा आता है, खाने लायक होता है, खाने का जो भी दिखे खा लो, इतनी लड़ाई मत करो। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज सुर से सजी रील है, क्योंकि शो की शुरुआत हमने की थी सुर से, सोचा आज खत्म भी सुर से ही करते हैं। एक रील दिखी और रील में दिखे 3 मुसाफिर, कौन कौन? शंकर महादेवन, शान और सोनू निगम, तीनों मस्ती से गाना गाते हुए जा रहे हैं। सुर की सबसे खास बात यह है कि कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। 1 2 3 4 बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ये बोल रहे। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। आपको पता ही है कि कल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आपको जुड़े रहना है लल्लन टॉप के साथ। सुबह आप जागिए, 7 बजे से लल्लन टॉप देखना शुरू करिए। जब तक नतीजे आएंगे हम लाइव रहेंगे। जय जनादेश देखना है आपको दी लल्लन टॉप पर। फिलहाल के लिए चलना है, कल की तैयारी करना है, और क्या ही कहें, चले ही जाते हैं। टाटा।